नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा कर दी। आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में शामिल आडवाणी का भारत के विकास में महान योगदान है। उन्होंने अपने जीवन में जमीनी स्तर पर काम करने से शुरुआत कर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। पीएम की घोषणा के बाद आडवाणी का परिवार बेहद गदगद हो रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी भी इस सम्मान की खबर मिलने पर भावुक हो गए। आडवाणी ने इस मौके पर कहा कि मैं अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ भारत रत्न स्वीकार करता हूं जो आज मुझे प्रदान किया गया है। ये न केवल एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान की बात है बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों के लिए भी सम्मान है जिनकी मैंने अपनी पूरी क्षमता से जीवन भर सेवा करने का प्रयास किया। वहीं उनकी बेटी यानी प्रतिभा आडवाणी ने अपने पिता के रिएक्शन के बारे में भी मीडिया से बातचीत की। प्रतिभा आडवाणी ने कहा कि मेरे पिता बहुत खुश हैं। प्रतिभा ने कहा कि मेरे पिता खुद को कम ही अभिव्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता जीवन भर कम शब्द बोलने वाले इंसान रहे हैं। प्रतिभा ने यह भी कहा कि आज स्वाभाविक रूप से उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें इस चीज की संतुष्टि और खुशी दोनों है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की सेवा में लगाया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं मानती हूं कि उनके जीवन के इस पड़ाव पर सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना बहुत बड़ी बात है। हम लोग इसके लिए बहुत खुश हैं। और इससे पहले प्रतिभा ने लाल कृष्ण आडवाणी को मिठाई खिलाई और उन्हें गले से भी लगाया। तो यह बात हो गई लाल कृष्ण आडवाणी की। इससे पहले सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसले पर राजनीतिक नीतार्थ निकाले जा रहे। कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी के अवसर पर यह बड़ा निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला था। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी ठाकुर की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। बीजेपी के इस कदम को विपक्ष के मंडल राजनीति में सेंध बताया जा रहा था। कर्पूरी के मुद्दे पर ही जदयू और राजद में सियासी मतभेद भी सामने आ गए थे। मोदी ने अपने इस दाव से दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच एक सकारात्मक भाव पैदा करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम को विपक्ष की जातिगत जनगणना का जवाब भी माना जा रहा था। इसके साथ ही राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि बीजेपी विपक्ष को कोई मौका ही नहीं देना चाह रही थी कि कर्पूरी को भारत रत्न की मांग जेडीयू के एजेंडे में शामिल था। बीजेपी को पता था कि राजद के मुस्लिम और यादव समीकरण की काट के लिए उसे अति पिछड़ों का समर्थन जरूरी है। हालांकि अब तो नीतीश कुमार तो खुद ही एनडीए के पाले में है और ऐसे में अब बीजेपी के लिए दोहरा फायदा मिलने का अनुमान है। बहरहाल पहले कर्पूरी ठाकुर और अब लाल कृष्ण आडवाणी। राजनीतिक जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि दोनों को भारत रत्न दे करके कहीं ना कहीं बीजेपी ने मंडल और कमंडल दोनों को साथ लिया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।